students, how are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn the lesson third. In third class, lesson 3, the white rabbit. Maybe you already heard about this. There is a story named Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Lewis Carroll ने एक कहानी लिखा Alice in Wonderland, एक अद्भुत देश में एक छोटी सी लड़की गई उनके बारे में, जो ऐसे गई और जब सपना देखा था तब, इन ड्रीम. आर यू ऑल्सो हाउ ड्रीम? डू यू रिमेंबर योर ड्रीम? कैन यू से अबाउट इट, डिस्क्राइब अबाउट इट? ओके, अभी सपने देखते हैं और सपना के बारे में याद है, जो सपना देखता है किसके बारे में और उसके बारे में आप बोल भी सकता है. अच्छा, कोशिश करो आपका किसी भी एक सपना का बारे में बोलने के लिए याद करके. और इन दिस बुक देर इज़ ए कॉलम इन 39 पेज, ड्रॉ ए पर्सन यू मेट इन योर ड्रीम. आप अपने ड्रीम में किसी व्यक्ति को मिला उसका पिक्चर बनाने के लिए कोशिश करना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू थ्रू द लेसन. वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ए लिटिल गर्ल नेम्ड अलिस. वंस अपॉन ए टाइम, स्टोरी ऐसे शुरू होता है, कहानी ऐसे बोलते हैं, एक बार एक जगह में ऐसे, ये इंग्लिश में भी ऐसे. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार देर वॉज ए लिटिल गर्ल नेम्ड अलिस. एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम है अलिस. वन डे शी हैड ए वेरी क्यूरियस ड्रीम. एक दिन वो बहुत अजीब सा सपना देखा. क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सा. शी सॉ ए वाइट रैबिट कम रनिंग बाय ए ग्रेट हरी. उसने क्या देखा? एक वाइट रैबिट. बिल्कुल रैबिट अच्छा लगता है सबको, देखा है रैबिट को. वो बहुत जल्दी से भाग गया रहे. एंड जस्ट एज इट पास्ड अलिस इट स्टॉप्ड एंड टुक इट्स वॉच आउट ऑफ इट्स पॉकेट. वो अलिस के पास से वो निकलने वाला था, तब वो रुक गया, फिर अपना पॉकेट से वॉच बाहर निकाल दिया. वॉज़न्ट दैट ए फनी थिंग. ये एक मजाक की बात है क्या? डिड यू एवर सी ए रैबिट दैट हैड ए वॉच? आप कभी भी देखा एक रैबिट, खरगोश वॉच यूज करते हैं? एंड ए पॉकेट टू पुट इन इट. ओ, पहली बात रैबिट के पास वॉच देखा है क्या? और वो वॉच रखने के लिए उसके पास एक पॉकेट भी है, ऐसे देखा कभी भी? ऑफकोर्स, व्हेन अ रैबिट हैज ए वॉच इट मस्ट हैव ए पॉकेट टू पुट इट इन. बिल्कुल, रैबिट को एक वॉच था, उसके पास वो रखने के लिए पॉकेट भी था. इट वुड नेवर डू इट कैरी इट अबाउट इन इट्स माउथ. वो अपने मुंह में ऐसे पकड़ के नहीं जाते. एंड इट वॉशिंग इट्स हैंड समटाइम्स टू रन अबाउट इट. अगर वो हाथ में पकड़ेगा तो ये शायद उसको भाग नहीं सकता. रैबिट कैसे चार पैर में भागते हैं? इसलिए. द रैबिट हैड प्रेटी पिंक आइज एंड पिंक ईयर्स. रैबिट को हम देखा है, बिल्कुल सुंदर सा पिंक कलर का आइस होता है, बिल्कुल क्यूट है. एंड ईयर्स भी पिंक है. इट वॉज वेयरिंग ए ब्राउन कोट विद द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स ड्रॉन ऑन इट. एक ब्राउन कलर का कोट पहन रखा है, वो कोट में ए बी सी डी अल्फाबेट्स उसमें लिखा हुआ है. इट ऑल्सो हैड ए येल्लो वेस्ट कोट विथ ए ब्लू नेक टाई.
एक ब्राउन कोट पहन रखा है, उसके ऊपर से एक वेस्ट कोट भी पहन रखा है, उसमें उसके साथ एक ब्लू नेक टाई अपने पास भी रही है, इसका ब्लू था। देर वॉज ए रेड पॉकेट हैंडकरचीफ पीपिंग आउट ऑफ इट्स कोट पॉकेट, कोट के पॉकेट में से लाल कलर का एक हैंडकरचीफ ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरह देखने की तरह रखा था, मतलब पॉकेट के अंदर रेड कलर का हैंडकरचीफ है, इसका थोड़ा सा बाहर दिख सकते हैं। इट रियली वॉज वेरी नाइसली ड्रेस्ड, रैबिट बहुत अच्छा सा कपड़ा पहन रखा है। ओ डियर सेड द रैबिट, रैबिट ने ऐसे बोला, ओ डियर आई शैल बी वेरी लेट, इट इज ऑलरेडी 2:30। मैं बहुत लेट हो गया, अभी टाइम कितना हो गया, 2:30। 2:30 मीन्स 2:30, 1/2 मीन्स आधा, पास्ट मीन्स आधा निकल गया, पास्ट और टू दो, 2:30 मतलब 2:30 बच गया टाइम। व्हाट वुड इट बी टू लेट फॉर यू वंडर, किसके बारे में इतना ये लेट के बात सोचा, आपको अद्भुत होता है क्या इतना लेट ऐसे क्यों सोच रहे। वेल यू सी इट वॉज गोइंग टू विजिट द डचेस, हाँ आप देखो रैबिट कहाँ जा रहे हैं, डचेस को विजिट करने के लिए, वो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड का वाइफ है डचेस। एंड द डचेस वॉज वेरी एंग्री ओल्ड लेडी, डचेस कैसा था, उसके मालिकिन कैसा था, बहुत एंग्री लेडी था, गुस्सा वाला औरत थी, वो ओल्ड भी है, ओल्ड मीन्स थोड़ा उम्र ज़्यादा एज बूढ़ी। द रैबिट न्यू शी वुड बी वेरी एंग्री इफ ही केप्ट हेयर वेटिंग, अगर ये रैबिट के लिए इंतजार करेगा तो उनका आने पर वो वेट करेगा तो रैबिट को पता चलेगा, पता चलता है वो बहुत गुस्सा करेगी। द पुअर थिंग वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑफ हेयर रैग, छोटे छोटे बात में भी उसका गुस्सा बहुत है, सब इसको डरते हैं, रैज मीन्स एंगर। ही वॉज अफ्राइड द डचेस वुड हैव हिम अरेस्टेड, किस लिए वो डरते डचेस इसको अरेस्ट करेगा, दैट वॉज वॉट द क्वीन डिड व्हेन ही वॉज एंग्री विद द पीपल, जो जिसके ऊपर उसका डचेस का गुस्सा आते हैं वो क्या करती है, बिल्कुल उसको अरेस्ट करेंगे और प्रिजन में डालेंगे, जेल में डालेंगे। शी ऑलवेज थॉट इट वॉज डन, वो हमेशा सोचते हैं और ऐसे सभी को जेल में डाल देते, दो दे नेवर रियली डिड इट, लेकिन वो जिसको ऑर्डर देते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं करते। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डचेस हु वुड हैव हिम अरेस्टेड, दैट वॉज वॉट द क्वीन डिड व्हेन शी वॉज एंग्री विद द पीपल, ये इसके बारे में ये राबित ने बहुत डर के बैठा था, क्यों उसको अरेस्ट करेंगे और जेल में डालेंगे। एंड सो द वाइट रैबिट रैन डूडजिंग द लो ब्रांचेस अलोंग द वे, ओ रास्ते में जो जो डालियाँ होता है उसको ऐसे ऐसे करके उसको अवॉइड करके वो भागते रहते हैं। एलिस वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू इट, एलिस ऐसा सोचा ये रैबिट को क्या हो, she ran and ran till she tumbled right down a rabbit hole, Alice bhi kya kiya, bahut jaldi se bhagne lagi wo rabbit ke piche,
और जब तक वो एक रैबिट होल में गिर गया तब तक वो भागती रहती है, इसके पीछे भागती रहती है. डाउन एंड डाउन एंड डाउन शी फेल. रैबिट होल में गिर गया वो नीचे की तरह, नीचे 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 और बहुत गहराई में वो चली गई. टिल शी बिगान टू वंडर इफ शी वॉज गोइंग टू आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड. कब तक उसको ऐसा अद्भुत महसूस हो गए क्योंकि वो बहुत नीचे गहराई में जाके जाके ऊपर से गिर के अर्थ का दूसरा साइड में पहुंच गया, उतना नीचे गिर गया. इट वॉज जस्ट लाइक ए वेरी डीप वेल. बहुत गहरा वाला एक कुआ जैसे लग रहा था. बट देर वॉज नो वाटर इन इट. लेकिन उसमें पानी नहीं था, कुआ जैसा था लेकिन पानी नहीं था. इफ एनीबडी रियली फेल डाउन सच ए वेल इट वुड प्रोबेबली किल दम. अगर असली में ऐसा कोई ये कुएं में गिर जाएगा तो क्या होता है, सच में वो मर जाएगा इतना गहराई में. विच इज़ वाई यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल वाइल यू रन अराउंड एंड प्ले. इसलिए अब ध्यान रखना जब हम हमारा चारों तरफ जहाँ जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ करते हैं, जंप करते हैं, तब अब ध्यान रखना. अगर गिर गया तो अपना हाथ पैर टूटेगा, नहीं तो और कुछ चोट लगेगा. इसी बात में हम ध्यान रखना है, ठीक है. एंड बट यू नो इट डजंट हर्ट ए बिट टू फॉल इन ए ड्रीम. लेकिन अभी आलिस कहाँ कब गिर गया, उनका सपने में गिर गया. हमको मालूम है सपने में कुछ भी हो जाओ हमको कुछ भी चोट नहीं लगता है, ये सपना है. ऑल द टाइम यू थिंक यू आर फॉलिंग यू आर एक्चुअली लाइंग समवेयर सेफ एंड साउंड फास्ट स्लीप. हमेशा ध्यान रखो हम गिरते हैं और कुछ होता है सपने में, कहीं में हम आराम से लेट जाते हैं, सो जाते हैं बिल्कुल नींद में. हम कहीं में नहीं गिरते हैं, सपने में गिरते हैं लेकिन हमको कुछ चोट नहीं लगेगा. हाउएवर दिस टेरिबल फॉल केम टू एन एंड एट लास्ट. ये स्थिति कैसे भी है तो ये टेरिबल फॉल, ये बहुत खतरनाक गिरावट था, फिर भी उसका एंड आ गया, अंत. डाउन केम आरिस ऑन ए हेप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स. नीचे क्या था, सूखा पत्ती और स्टिक्स था, डंडी था. द डस्ट मेड हर कफ. ओ जब तक इतना ऊपर से गिरा तब बहुत जोर से गिरा, सारे धूल मिट्टी उड़ गया, उसको खांसी आ गया. बट शी वॉजंट बिट हर्ट. लेकिन उसको बिल्कुल कुछ हानि नहीं हुआ. सो शी जम्प्ड राइट अप एंड रन आफ्टर द रैबिट अगेन. इसलिए जहाँ गिर गया वहाँ से जल्दी खड़े होकर रैबिट के पीछे और भागने लगे. दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ आलिस क्यूरियसिटी. आलिस का ये ड्रीम का स्ट्रेंज इशा, इसका शुरुआत यही था. वहाँ गिर गया, वहाँ से खड़े होकर भागने लग गया. द नेक्स्ट टाइम यू सी ए वाइट रैबिट ट्राई टू फैंसी यू आर गोइंग टू हैव ए क्यूरियसिटी. अगली बार अगर अभी वाइट रैबिट को देखा तो अब सोचो आपका सपने में ये वाइट रैबिट आ जाएगा, जस्ट लाइक ए डियर लिटिल आलिस. ये आलिस के सपने में वाइट रैबिट आ गया, उसी तरह आपका सपने में भी आ सकते हैं. और ये स्टोरी आगे भी है, स्टोरी का थोड़ा सा हम देखा, ये बच्चों का एक मूवी के रूप में भी आते हैं. आलिस इन वंडरलैंड बुक भी आते हैं, स्टोरी बुक, और इसका मूवी भी आते हैं. अगर आपको चांस मिल जाएगा तो ये देखना.
और ये एलिस इन वंडरलैंड का स्टोरी का और ये वाइट रैबिट के बारे में और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, आ जाएगा। किसने लिखा था ये? बाई लेविस करोल, उसने लिखा था एलिस इन वंडरलैंड नामक स्टोरी। जब स्टोरी बुक मिल जाएगा तो स्टोरी को पढ़ना, नहीं तो मूवी देखना, कैसे भी है तो ये पूरा स्टोरी आप देखने के लिए, समझने के लिए कोशिश करना। और दिस वर्ड्स फ्रॉम हियर, दिस लेसन, ये लेसन से मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए लिखा था। ये आप अपना नोटबुक में लिखना और स्पेलिंग याद करना। CURIOUS, क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। WEARING, वेयरिंग। WAIST, COAT, वेस्ट कोट। HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ। PWPING, पीपिंग। ALREADY, ऑलरेडी। DUCHESS, डचेस। DODGING, डोजिंग। TUMBLED, टम्बल्ड। WONDER, वंडर। PROBABLY, प्रोबली। ACTUALLY, actually। TERRIBLE, terrible। HAP, hape। One thing more you can do, this words का, नहीं तो और अपना लेसन में जो वर्ड्स आपको हिंदी समझ में नहीं आता, एक डिक्शनरी के साथ ये हेल्प लेना। एक डिक्शनरी घर पे होगा, डिक्शनरी अगर नहीं है तो लेना और उसमें से देखे इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों मिल जाएगा। वो भी समझना अपना वोकाबुलरी बढ़ाने के लिए ये भी अच्छा है। इसलिए आप ध्यान से अपने नोटबुक में ये लिखना, लेसन को 5 टाइम्स रीडिंग करना एंड बाकी एक्सरसाइज भी भेजेंगे, तब वो भी याद करना। ओके, थैंक यू।